तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ORM के बारे में। ORM क्या होता है? ORM है बेसिकली ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। और ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए टर्म नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए, और स्पेशली ई कॉमर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ORM क्या है, तो इसलिए हम इसे जानेंगे भी। तो ORM क्या है? बेसिकली ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, अलग अलग सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस की, अपने ब्रांड की प्रेजेंस को क्रिएट करना, ये बेसिकली। और ना सिर्फ क्रिएट करना, लोगों से इंटरेक्ट करते रहना, अपने ब्रांड को प्रेजेंट करना, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना, सोशल लिसनिंग को पॉजिटिव इम्पैक्ट में स्प्रेड करना, और इस तरह की चीजें जो हैं वो ORM के अंदर आती हैं। नॉर्मली क्योंकि मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ तो बहुत ही मुश्किल है इतनी सब कम टाइम में इसको समझाना, लेकिन फिर भी ORM को हम थोड़ा समरी ऐसे ही दे सकते हैं। तो बेसिकली ORM है क्या और वो बेसिकली काम किस तरीके से करता है, ये भी समझना जरूरी है, और उसके कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहला हम पॉइंट देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली ये कस्टमर्स के और आपके ब्रांड के बीच में एक ट्रांसपेरेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट करता है। बहुत सारे ब्रांड जो होते हैं जिनको लोग नहीं जानते, तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन्हें उस ब्रांड के बारे में, उस कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। तो अगर आप और जो क्लाइंट है, जो कस्टमर जो आपका है, अगर उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो आसान रहेगा उनका आपसे जुड़ना, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, बहुत आसानी से वो जुड़ सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होती है, ORM बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। नेक्स्ट है बिग पिक्चर। जो लोग ORM पे काम करते हैं, कस्टमर समझते हैं कि वो एक बड़े बिजनेस है, एक सिस्टमेटिक बिजनेस है, और ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये एक बड़ा बिजनेस है। ये आपको जब जो बिजनेस आपको हर सोशल मीडिया नेटवर्क पर नजर आ रहा है, वो आसानी से आप उस बिजनेस के साइज को मान सकते हैं कि वो एक बड़ा बिजनेस है। तीसरी बात है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है। हम किसी नए प्रोडक्ट पे, नए ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करते, तो लेकिन जो प्रोडक्ट, जो ब्रांड हमें कई सारी जगह पे नजर आ रहा है, हम मानते हैं कि ये एक नॉन बिजनेस है। तो ये भी एक वजह है कि जो ORM है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ORM इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई ORM। तो ORM इम्पोर्टेंट क्यों है? स्पेसिफिक नेटवर्क, सबसे पहले आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, स्पेसिफिक नेटवर्क क्या है? नेटवर्क तो आप स्प्रेड कर सकते हैं उसे कहीं भी, कोई लिमिटेशंस इसके नहीं है। बट कुछ ऐसे क्लाइंट होंगे जो एक्चुअल में आपके क्लाइंट हो सकते हैं। सपोज आप एक ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और आप मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आपका जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास साइंस साइड है या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे बायोलॉजी वाले या कॉमर्स साइड वाले या अदर सब्जेक्ट वाले लोग आपके डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है। हो सकता है उनके किसी नोन में आपके क्लाइंट छुपे हों, आपके बायर छुपे हों, आपके कंज्यूमर छुपे हों, कस्टमर आपके छुपे हों, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक उन लोगों की बात करूं तो वो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा बिकॉज वो आपके एक्चुअल कस्टमर हो सकते हैं। तो ORM की हेल्प से हम उस स्पेसिफिक नेटवर्क तक कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है रीच। यहां पर रीच बहुत ही बड़ी हो सकती है और उसे हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतनी भी हो सकती है। ऑर्गेनिकली और नॉन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिकली रीच होती है, मैं आपको एक थोड़ी समरी देना चाहूंगा, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मतलब आप ये समझिए कि जो नॉर्मल सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है उसके थ्रू जो आपकी रीच हो रही है। जैसे आपने आपने कोई बिजनेस का पेज मुझे शेयर किया, मैंने उसको अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दिया, उसने किसी और को शेयर कर दिया, उसमें कुछ ऐसी बात लगी कि हाँ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, यूजफुल प्रोडक्ट है, हमने इसको शेयर कर, तो नॉर्मली जो स्प्रेड हो रहा है वो विदाउट एनी पेड प्रमोशन, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रीच। ऑर्गेनिक रीच भी बहुत अच्छा काम करती है ORM के केसेस में, तो इसलिए भी लोग ORM को बहुत ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है ब्रांड वैल्यू, आपके ब्रांड की वैल्यू बनती है। जो ब्रांड हर जगह प्रेजेंस होता है, हम ये समझते हैं कि दिस इज अ रियली अ गुड कंपनी, अ बिग कंपनी, अ ब्रांड। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अपने कुछ मैंने पेजेस ओपन किए हैं उनको आपको दिखाता हूँ, सोशल मीडिया प्रोफाइल है, मैं उनको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे,
जैसे आप ये देखेंगे फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने फेसबुक पे पेज खोल, पहले मैं पेज खोलता हूँ, ये फिलिप्स इंडिया का पेज है। तो उन्होंने एक बैनर लगाया हुआ है और एक टैगलाइन उन्होंने मेंशन किया। पहली बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे जो भी जो जितने भी इसने लोग लिए हुए हैं उस पेज पे, ब्रांड पेज पे, तो जो भी एज ग्रुप है, ये अगर आप थोड़ा सा गहराई से जाएंगे तो लगभग इसी एज ग्रुप के आसपास इनके कस्टमर ज्यादा होंगे। तो इससे पता चलता है कि किस तरह के कस्टमर को टारगेट करना चाह रहे हैं, और ये हैपनिंग की एक सिचुएशन दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, ये सेलिब दिखाना चाह रहे हैं कि हम हैप्पीनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, अलग अलग थीम के साथ ब्रांड इम्पैक्ट करते हैं। तो हम उस ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, मार्केटिंग के डिटेल में नहीं जाएंगे, नीचे हम चलते हैं। तो आप देख रहे हैं इनको अपना लोगो मेंशन किया हुआ है, होम है, होम में इन्होंने अपनी टैगलाइन से मेंशन की है, कितने लाइक्स हैं आप देखें, नंबर भी काउंट नहीं हो पा रहा है। और उनकी वेबसाइट है, टोल फ्री नंबर है, आप इनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और मेंशन किया है कि एक ब्रांड है ये। उसके अलावा अपने बारे में बता रहे हैं ये कि कभी एस्टेब्लिश हुए या ये सब, बहुत डिटेल में सोशल मीडिया पे इन्होंने नहीं डाला है, बट स्टिल कुछ फोटो गैलरीज हैं। फोटो गैलरीज में बेसिकली अपने इवेंट्स, इंटरनल इवेंट्स या फिर कोई कोई एक्टिविटीज या कोई प्रमोशंस ये लोग रन करते हैं, उसको यहाँ पे समराइज करके भी कलेक्ट करते हैं, कुछ वीडियोज हो गए। तो ये बेसिकली सिर्फ एंगेजमेंट के लिए है कि ताकि सोशली लोगों से एंगेज हुआ जा सके। उसके बाद आसान होता है अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करना, बिकॉज दिस इज अ वेल नोन ब्रांड। तो ये आप देख पा रहे होंगे, एक फेसबुक का एक पेज है, ये बेसिकली बिजनेस पेज है। एक तो एक प्रोफाइल होती है और एक बिजनेस पेज होता है। अगर पेज से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। फिर फेसबुक पे अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख पा रहे होंगे बिजनेस के लिए एक मार्केट प्लेस वाला सेक्शन होता है। तो आप ये देख देख सकते हैं, यहाँ आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली बायर से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो स्कैमिंग करते हैं, तो स्पैम की बात मैं नहीं कर रहा ना, लेकिन आप डायरेक्टली अच्छे बायर्स भी मिलते हैं यहाँ पे। सॉरी, स्पैम में बोलना चाह रहा था, स्कैम नहीं बोलना चाह रहा, समझ आऊंगा मैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक अलग दूसरा प्लेटफॉर्म ओपन किया है, जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे भी फिलिप्स का ही पेज ओपन किया है हमने। यहाँ पर भी रेगुलर लोग एक्टिविटीज करते रहते हैं, देखो कितने फॉलोअर्स हैं, 150K फॉलोअर्स हैं इनके, वेबसाइट मेंशन है। तो बेसिकली अपनी प्रेजेंस को क्रिएट कर रहे हैं, प्रेजेंस को शो कर रहे हैं कि हम कुछ कोई ब्रांड हैं और हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं करके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया नेटवर्क जिसपे अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप शायद बहुत लोगों के लिए उस ना ध्यान भी नहीं जाता। व्हाट्सएप में, मैं व्हाट्सएप बिजनेस की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप से कई गुना ज्यादा फीचर्स व्हाट्सएप बिजनेस में है, उन लोगों के लिए जो बिजनेस के प्रस्पेक्टिव से इसको यूज करना चाहते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है व्हाट्सएप पे, मैं आई आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप बिजनेस के लिंक को पर जाके चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस बहुत ही यूजफुल हो सकता है, बहुत काम कर सकता है आपके लिए, उसमें डिटेल एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने वापस से प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं जिससे आपको पता चला कि हाँ, ये ORM का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए ORM इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है। नेक्स्ट है कुछ फेमस प्लेटफॉर्म जैसे मैं आपको दिखाई चुका हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे और भी हैं, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, स्टंबल अपॉन है, बहुत ही सारे हैं। लेकिन सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरह के यूजर्स हैं, अलग अलग तरह के यूजर्स हैं, अलग तरह की ऑडियंस हैं। हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग, हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें सोशल मीडिया का सिलेक्शन करना होता है। अगर आपको इसमें भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू कमेंट। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ यू रियली लाइक इट प्लीज शेयर इट। थैंक यू सो मच।